नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त जेजेएन की टीम शीश महल में स्थित एक गौशाला में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये गौशाला नगर निगम के द्वारा स्थायी तौर पर बनाई गई है और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे जो है गौवंश मौजूद है और इनके पीने के लिए जो है यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पीने के लिए पानी की सुविधा है और चारा भी जो है अवेलेबल है इनके लिए। लेकिन अब मैं बात करूँ पिछले कुछ 6 महीने पहले की बात करूँ तो उस टाइम पे हल्द्वानी शहर में गौवंश का काफ़ी आतंक था और आतंक इस कदर था कि कई जो खबरें हैं जेजेएन ने आपको दिखाई थी। अगर मैं एक खबर की बात करूँ तो कोतवाली, जो हल्द्वानी की कोतवाली, उसके सामने ही गौवंश की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे और एक स्कूटी सवार को जो है घायल हो गए थे। और ऐसे तमाम जो खबरें थी उस टाइम पे आई थी आज से 6 महीने और कुछ टाइम पहले इस तरीके की खबरें आई थी, उसमें कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन उसके बाद जो है नगर निगम के द्वारा जो है एक काम ये किया गया था कि जितने भी आवारा गौवंश हैं उनको जो है अस्थायी तौर पर जो गौशाला बनी हुई है उनमें पहुँचाया जा रहा था। और उस वक्त जो था कि जो हल्द्वानी के गौवंश थे आवारा, उनको हल्दीचौड़ स्थित गौशाला में भेजा जा रहा था। उस टाइम पे हल्द्वानी में जो है कोई गौशाला नहीं थी। लेकिन उसके बाद दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर में जो है हल्द्वानी के शीश महल में अस्थायी तौर पर जो है गौशाला बन गई थी और वही गौशाला की आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में यहाँ पे अभी गौशाला जो है इसमें गौवंश हैं और अभी कितनी संख्या है यहाँ पे गौशाला में गौवंश की, इसके बारे में भी बात करेंगे। किस तरीके से यहाँ पे जो है काम होता है, किस तरीके से यहाँ पे देखभाल होती है, उस बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, फिर बात करते हैं। तो जिस तरह से आपने भी तस्वीरें देखी, हमने शीश महल में जो अस्थायी तौर पर गौशाला बना हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। तो अब जो यहाँ पे देखते हैं सबको किस तरीके से चारा दिया जाता है, पानी दिया जाता है, इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम वैभव बेलवाल है। कब से यह अस्थायी बना हुआ है गौशाला और कितने टाइम से आप यहाँ पर? इसको, अस्थायी गौशाला को, कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं अभी तक और मैं स्टार्टिंग से यही हूँ। ये बताइए, जब आपने बोला कि 3 महीने से आप यहीं पर हैं तो किस तरीके से इनका चारा और पानी का काम होता है? यही है कि मॉर्निंग में चारा आ जाता है, उसके फिर जब अभी नाद बनी है तो अब इसमें पहले नाद में देते हैं। अब पहले तो हम ड्रम में देते थे, अब स्टार्टिंग की तो ड्रम में देते, अब नाद में देने लग गए हम। अगर हम मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो उस टाइम पे कितने थे और अब की संख्या में कितना इजाफा हुआ? शुरुआती में 40-45 के आसपास थे, अब 140-150 के आसपास हो चुके हैं। 150 के जी। और कितने लोग यहाँ पे मतलब सेवा के लिए रहते हैं? यहाँ पे 4 लोग सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। अच्छा जी। और तो सुबह शाम एक टाइम होता है इस तरीके से चारा वगैरह? 2 सुबह आते हैं, 2 शाम को आते हैं जी, शिफ्ट वाइज हमारे यहाँ पे। ये बताइए कि किस तरह से, जैसे अभी हल्द्वानी की सड़कों की अगर मैं बात करूँ तो अब इतने आवारा गौवंश नहीं है, तो अगर कभी किसी को दिखते तो वो किस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं? जी यही है कि क्या कहते हैं, निगम से कांटेक्ट करके फिर निगम अपने अपने तर पे कार्रवाई करके गाड़ी भिजवा के फिर यहाँ लाते हैं। तो कई बार आप भी गए हैं फील्ड पे? जी हम गए हैं। कोई एक किस्सा जो आपको याद हो? जी यही है, राजपुरा में, राजपुरा फिर रेलवे फाटक के यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी ने कंप्लेन करी थी कि यहाँ पे बहुत सारे गौवंश हैं, लड़ रहे हैं आपस में, तो निगम ने कार्रवाई करके हम वहाँ पे गए मौजूदा, वहाँ पे खड़े होकर हमने सांड पकड़ के गौशाला छोड़े। अच्छा, यहाँ पे आप लेके आए? जी हम पहले हल्दीचौड़ छोड़ते थे जब यहाँ पे बनी नहीं थी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लाना स्टार्ट करा हमने। तो अब हल्द्वानी के आसपास वाले क्षेत्र में सारे यहीं आते? जी बिल्कुल। अगर मैं निरीक्षण की बात करूं तो बीते दिन जो है निरीक्षण किया गया था सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे सिटी मजिस्ट्रेट जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था देखी, उन्होंने यही कहा कि खाली कि थोड़ा चारा और पानी की थोड़ी और व्यवस्था हो जिससे कि गौवंश कोई एक्सपायर ना हो, कोई मरे ना जी।
अगर कभी कोई बीमार हो जाता है जिस तरीके से आपने बोला कि उन्होंने भी बोला सेवा के लिए, तो फिर क्या होता है? ये वही पशुपालन विभाग की टीम आती है, फार्मासिस्ट आती है और ये चेक करते हैं यहाँ पे, और रोज के रोज आते हैं, चेक करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। तो जैसे यहाँ पे खुला वाला एरिया भी है और जैसे अभी बारिश वगैरह टाइम पे भी है, तो फिर ऐसा भी कुछ है? ये शेड बन गया है यहाँ पे बारिश के लिए, और क्या कहते हैं अभी और व्यवस्था बन रही है यहाँ पे इनके लिए। एक उधर साइड पर शेड बन रहा है, एक मेडिकल रूम बनेगा साइड में, जो भी कोई बीमार होता है तो उनको मेडिकल रूम में रखा जाए। अच्छा, आने वाले टाइम जी आने वाले टाइम पे जी। एक सवाल और है कि कुछ यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कुछ खुले हुए हैं और कुछ को बांधा हुआ है, ऐसा क्यों है? जो बुल हैं, जो बड़े सांड है, उनको बांधा हुआ है क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, और गाय एग्रेसिव होती नहीं इतनी, तो उनको हमने खुला छोड़ लगा और सांड को साइड में बांध रखा हमने। तो कैसा लगता है आपको, 3 महीने आपने यहाँ पे काम करके बिताए हैं, तो कैसा लगता है थोड़ा अपना? हाँ वही है कि पहले से ही हम गौ सेवा करते हैं तो हमको अच्छा ही लगता है, गौ माता की सेवा करते हैं तो हमको अच्छा ही लगता है। तो नगर निगम के द्वारा आपको? जी नगर निगम के द्वारा रखा गया, हम वैसे गौ सेवा ही करते हैं, हमारा पैसा ही गौ सेवा है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो कई बार लोग छोड़ देते हैं खुद से? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पाल ले हो, दूध निकाल ले, तो ये है कि जब तक वो बूढ़ी ना हो जाए, तब तक वो एक्सपायर ना हो, तब तक आप छोड़े ना, क्योंकि फिर आप लोग रोड में छोड़ दो तो हमको ही बुरा लगता है कि आप रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, गाय को लग रही है, हम अपनी राष्ट्रमाता मानते हैं गायों को, और आप ऐसे छोड़ लो तो गलत बात होती है। जी जिस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसी होंगी जो दूध देने वाली भी होंगी, तो ऐसा कुछ होता है कि उनका वो डेयरी वगैरह में जाते हैं? नहीं, अभी तो शुरुआत नहीं की है, क्योंकि अभी हमारा जो दूध देने वाली गाय है उनको अलग रखने का शेड वो तैयार हो रहा है, अभी बात चल रही है हमारी। अच्छा, मतलब अभी चल रहा है इस पर काम? अभी हुआ नहीं? अभी हुआ नहीं है इसमें काम। तो देखा आपने किस तरह से हल्द्वानी के शीश महल में जो अस्थाई तौर पर गौशाला बनी हुई है उसमें किस तरीके से काम होता है, और किस तरीके से जो यहाँ पे अस्थाई गौशाला है वो बनी हुई है। इसी के साथ ही जब निरीक्षण हुआ था सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए थे उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।